जब दूसरे से संबंध था तो मुझसे शादी कर। मन में किसी शादी कर ले रहती के पास फोन करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन पति द्वारा बात नहीं किया गया, फोन को काट दिया गया। बार बार उससे परेशान होकर एक बेटी यहाँ ऊपर जो रूम दिख रहा है उसमें अपने आप को फंदे से लटकाकर मौत के घाट उतरी। तब से गल बन तब से अपना मर्द की देखे दूसरे लड़की से बात कहे बताए के कर मन न उबियला खराब ना लगे पति मरले बनकर देवर मरले बड़े उनकर सास मरले बड़ी है माथा फाड़ महीना में पूरा दुनिया दिखा दे पूरा दुनिया दिखा दे बड़ा बाबू से ये रिक्वेस्ट बा कि हमरा साथे जहन भइल तहन भइल रउआ लोग के हम हाथ जोड़ के विनती करता नहीं कि आप लोग ऐसा कुछ करी कि कोनो बेटी की जिंदगी में सजा ऐसा ना मिले। पूरा फोन लगैले बड़ी मैसेज भी कैले बड़ी बहुत अपन कोशिश कैले बड़ी बाकी उन्हें से कहले बड़ी कि तू मर जा चाहे प्लीज ऐसा कोनो बेटी के हालत न धोखे दिल दहेज के खातिर बेटी मार देता लोग इतना सब कुछ हम देनी तब वो हमारा के लोग मारा था लोग। जब दूसरे से संबंध था तो मुझसे शादी क्यों किया यही वीडियो मन में के हुआ रहे तो रुको हम किसे शादी कर ले रहती ना हमके पर बात कर ले के कहा जर दूसरा के वजह खाती हम यही वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर एक नवविवाहिता का वायरल हो रहा है उसमें नवविवाहिता साफ कहती हुई दिख रही है कि जब दूसरे से तुम बात करते हो दूसरे से तुम्हारा संबंध है तो मुझसे शादी क्यों किया। इसी मामले को लेकर गोपालगंज जिले के माजा थाने के अहिरवलिया गांव में पहुंचे हुए हैं। इसी घर की बेटी थी और यहां पर पिताजी खड़े हैं। सात बहन में से एक की मौत हो चुकी है, वो खुदकुशी कर चुकी है पति के प्रताड़ना के बाद। अभी प्रशासन भी आई थी, प्रशासन भी जाँच में लगी हुई है और उसके बाद अपराधियों के पीछे पड़ी हुई है। इस समय सुना जा रहा है कि जो पति है वो इस समय उसके घर वाले भी पति के साथ सब लोग फरार है और इस समय घर में देख सकते हैं मातम का माहौल है। आस पड़ोस के पूरा लोग इकट्ठा हुए हैं देखने के लिए। रहुआ लड़की के शादी कब हो रहा है? तीन महीना पहले 7 तारीख के साथ। का नाम रहा? काजल कुमारी। उम्र कितना रहा? 21 साल। का मामला रहा? दहेज की रहा। पति काहे प्रताड़ित करता? दूसरा के उसे संबंध रहा या दहेज के मामला रहा? वैसे तो वीडियो में कहती आपके लड़की दिखाई देती है कि दूसरा से संबंध रहा तो हमसे शादी काहे कैला, हमार जिंदगी काहे बर्बाद कैला। दूसरा लड़की से वो बात करता अपना भौजाई के बहन से। उसमें लड़कियां हमारा आरोप डालती थी कि काहे बात करते हैं उससे। हाँ। कौन लगती है आपको, काहे उससे बात करते हैं। हाँ। इसको दबाता था, धमकाता था। उसको बाद बार बार बोलता था इतना रुपया मंगाओ अपना भाई से अपना बाप से बोलो देने के लिए। वो बोली कि गरीब आदमी है, लोग कहाँ से देगा, लोग जो देना था दिया लोग, फिर 1 लाख रुपये की डिमांड कर रहे हैं, कहाँ से देगा, हमारा अकेला भाई है। ठीक है, अगर कहिएगा तो हम बोलेंगे भैया को थोड़ा थोड़ा करके देंगे, लेकिन हमको सही ढंग से रहने दीजिए। वो लोग मारपीट किया पूरा से। आप लोग से ही है हमारी विनती बाबे कि प्लीज ऐसा कोनो बेटी के हालत न धोखे दिल दहेज के खातिर बेटी मार देता लोग इतना सब कुछ हम देनी तब वो हमारा के लोग मारा था लोग। बड़े बड़े स्लोगन चट्टी चौराहे पर लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहां पर दहेज के लिए प्रताड़ित करके घर में ही बेटियों को नवविवाहितों को मार दिया जा रहा है या पति से प्रताड़ित होकर परेशान होकर खुद खुशी कर ले रही है। यहां पर देख सकते हैं आस पड़ोस के पूरा लोग इकट्ठा हुए हैं। 7 बहनों में से एक बहन यहाँ पर आई है, इनकी भी हालत ख़राब है। और एक बाप और माँ एक परिवार अपनी बेटी की कैसे शादी करता है, पैसा कहाँ से इकट्ठा करता है, एक गरीब परिवार समझ सकता है। पैसा कर्जा लेकर किसान परिवार इधर उधर से अपनी बेटी की शादी करता है, लेकिन वहां पर पति के प्रताड़ना से ससुराल वालों के प्रताड़ना के चलते बेटियां अक्सर की कर लेती है या उसे दहेज के लिए जान से मार दिया जाता है। का भइल बा रुआ बहन के साथे? हमरा बहन के साथे तो हमरा से कहले बर्तन में जानकारी फोन करत रहली रुआ। हां एक बार फोन कइली तो कल दीदी हमरा के दहेज खाती लो माने अथी करत लो हनु। हाँ। हमके जाय तो सब कोई कहले केतनो दहेज दियै नु तो लो दबाव दी लो तो चुपचाप सह जइह। तो हमके सब बहन डरते रहिए से तू सह जइह तो माने बेचारी अपना सहे पर सहले बड़ी हनु। ओकर बाद जब उनका से खेती भइल बार बार जे हिया बतियाओ तारे फोन से हुआ बतियाओ तारे फोन से हमके जाय तो बतियाओ दो तार तू चुपचाप सब माने अथी कर देब सन हनु।
आ सब करते हुए बहन हमारे बहुत मैंने अंदर दबौले बड़ी हर बात के नहीं कल घर में हाँ दबैले बड़ी कि हमारे बाप हमारे कहाँ से अतिथि देव गरीब घर के हमके बेटी बनी सँ कहाँ से का कर पापा कहम तो मर्जी ने हमारे पापा हन तो नहीं कल सारा वीडियो बना के मरे से पहले सब वीडियो बना कर वो लोग दे दिले बड़ी। यहाँ पर देख सकते हैं गरीब परिवार की बेटी, एक किसान परिवार की बेटी प्रताड़ित तो होती है ससुराल में पति द्वारा, ससुर सास ससुर द्वारा, लेकिन वहाँ पर चुप ही हो जाती है क्योंकि उसका पिता गरीब रहता है, आवाज़ उठाने के लायक नहीं रहता है और इससे इसके चलते वो गलत कदम वहाँ पर उठा लेती है। रहुआ बेटी के बारे में क्या कहें, रहुआ से बेटी बात ना करत रही है, क्या कहत रही है रहुआ? यही कुल बात कहत रही है दहेज के विषय में, वो लड़कवा के विषय में तो हम डटन एक दिन जी बबनी चुपचुप जब रहो बतियाओ तो कहीं मर्द हो बतियाओ तो हम समझा देव करा के शिकायत बाव करते हैं तो आयल दमाद हम सिखाओनी कि बाबू काहे तरह के करते रह काहे दोसर बेटियों तो चुप रहत हुई यहाँ खुल के बतावत ना हुई कि हमारा मर्द के शिकायत ना हो, सब बात कहीं बताबो लेकिन अपना महातारी से बतौलो तू हमें से कहली हम कहीं ठीक बात दबा दिया ले लड़कियों का हम दबावनी कि सब बात के ना खोज कर जला मर्द दस जगह से बतियाओ तो ससुराल में उनकर के हां के मतलब उनकर पति मरले बन कर देवर मरले बड़े आ उनकर सास मरले बड़ी है ना माथा फाड़ महीना में पूरा दुनिया दिखा दे पूरा दुनिया दिखा दे लो आ ओकर माथा तो फाड़ दे लो पूरा खून से लथपथ भ रही तो हमर पापा चाचा के गो लेके गइनी बुलावे खातिर है ना बाइक लेके गइनी गाड़ी वाला केहू ना आवे से केहू साथ ना दिहल अरे घर के जब साथ नहीं तो बाहर के थोड़ी दी जब लोग सब कोई भाग गए रहे तो पापा हमारे चाचा के संग लेके बनी तो ले गनी वहां एथी में थाना पर तो वहां मैंने अब ऐसे हमने की जानी पापा कहाँ कहाँ ले गए लेके चल बाकी सीरियस हालत में आयल बड़ी हमारा घर है आ एक दिन रहल बड़ी जिंदा है ना मैंने आयल बड़ी उतनी रात के जिंदा रहे सुबह वो अपना पति के लगे पूरा फोन लगे बड़ी मैसेज भी कैले बड़ी बहुत अपन कोशिश कैले बड़ी बाकी उन्हें से कहले बड़ी कि तू मर जाए चाहे जौन भी होगा हम ना हम ना तरह के रखें तब ऐसा कम कदम उठे हाँ यही घर में कैले बड़ी हाँ ऊपर वाला घर में और यहाँ पर देख सकते हैं घर में बस एगो भौजाई बड़ी तो उनको घर में बच्ची भी छोटी छोटी तो नीचे घर में बड़ी ऊपर बड़ी। यहाँ पर देख सकते हैं अपने पिता के घर में पति से और देवर से मार खाने के बाद आई और उस घर में पति के पास फोन करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की लेकिन पति द्वारा बात नहीं किया गया, फोन को काट दिया गया बार बार। उससे परेशान होकर एक बेटी यहाँ ऊपर जो रूम दिख रहा है उसमें अपने आप को फंदे से लटकाकर मौत के घाट उतार ली। चटका कहे में ऐसा समाज में बेटी के साथ होता मार दिया जाता है जान से पैसा खातिर या गलत अवैध संबंध के चलते। हाँ अवैध संबंध और पैसा हम सुनले रोमी हाँ हमारे घर बगल में बा हाँ तो हम कहें अच्छा ठीक बाइक रखे थे चल जाइए एक दिन मारपीट कैले रहो तो हम ठीक बा चल जाइए एक दिन बातचीत कल जाइए मुद्दापुर का है कैले बोलो तब तक ये दुर्घटना हो गई। अच्छा समाज में ऐसा घटना घटत है पर एक न्याय मिले के चाहिए हाँ जहाँ तक सच हो के एक जाए तरीके से एक न्याय मिल जाए तो बढ़िया रही अगला काम ऐसा ना हो सके दोसर का सकते हैं। बेटी जब तक अपने बाप के घर में रहती है हंसी खुशी से रहती है लेकिन कई बेटियों का वैसा घर मिल जाता है ससुराल मिल जाता है जहां से ज़िंदगी की गलत शुरुआत हो जाती है, रोना और कलह को लेकर वो परेशान हो जाती है उसके बाद गलत कदम उठा लेती है। का कहें प्रशासन का कहला सी आई रहा पुलिस प्रशासन अला पूछताछ करके गए अपन देख सुन करके लिखा पढ़ी करके कि ठीक है आप आवेदन दिए हम लोगों से जाए देंगे अब देखिए आगे भाग घर छोड़ के भाग देख सकते हैं। पति द्वारा थोड़ा सा मजा लेने के लिए अपने पत्नी को यहाँ पर धोखा देना शुरू कर दिया था पति और लास्ट में पति द्वारा गलत कदम ही उठा लिया गया। आप देखते हैं पुलिस जांच की विषय पुलिस प्रशासन भाग अब देखते हैं पुलिस प्रशासन इसमें क्या करती है कोर्ट द्वारा क्या किया जाता है। चलिए इसी के साथ में मनिंदर सिंह दबंग 24 से धन्यवाद।